तो यहाँ पे लग्जरी मीट्स प्रीमियमनेस 1.43 पॉइंट की एमोल डिस्प्ले मिलती है और रोटेटिंग क्राउन के साथ टू इंट बटन्स भी मिल जाती है काश की तीनों ही रोटेटिंग क्राउन वाले ऑप्शन होते हैं काफ़ी कमाल हुआ है बट यहाँ पे ऊपर वाले बटन मेन्यू पे जाने के लिए नीचे वाली स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए बीच वाली होम पे जाने के लिए आपको मिल जाएगी वॉच फेस भी चेंज कर पाओगे लुक और फील तो कमाल का आ रहा है इस वॉच का फोर सिक्सटी के रिजोल्यूशन वाली एमोल डिस्प्ले है ये डीपर ब्लैक्स पंची कलर देखने को मिलेंगे आपको इसमें आड ऑफ इट्स टाइम तो गैज यहाँ पे मून वॉच फायरबोल्ट की काफ़ी अलग सा नाम दिया गया है काफ़ी कह सकते हो प्रीमियम लुक के साथ स्पोर्टी लुक भी दिया गया डिज़ाइन इन एवरी डिटेल स्टेनलेस स्टील यहाँ पे आपको चार कलर शेड्स मिलेंगे सिल्वर ब्लैक गोल्ड और रोज गोल्ड लेदर फिनिश तो लेदर फिनिश में मिल जाएंगे देखने के लिए थ्री इन टू बटन मिल जाती हैं थ्री बटन है। पुशेस तो आई थिंक यहाँ पे बीच वाली हाँ रोटेटिंग है रोटेटिंग है आर्टिस्ट्री ऑन योर रेस्ट तो गैस यहाँ पे फायरबुल्ड का लोगो मिल जाएगा आपको मेन बीच वाली बटन पे स्पीक एलिगेंस आंसर कॉल्स विद स्टाइल यहाँ पे आप डल ब्लूटूच कनेक्टिविटी के साथ ही वॉच आएगी आई गेस यहाँ पे कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है ब्लैक बोर्ड आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छुपा दिए गए हैं एक रिंग टाइप की मिल जाती है आपको और स्पोर्टी लुक दिया गया इसको स्मार्ट नोटिफिकेशन सारे के किसान नोटिफिकेशन वॉच में आ जाएंगे बट कोई रिप्लाई नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे सैडली और मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड्स में देखने को मिल जाते हैं फॉर एवरी स्पोर्ट्स फॉर एवरी विक्ट्री तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स मोड भी हैं एंड uh, मेरे ख्याल से 10-12 स्पोर्ट्स मोड जरूर मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए आई पी सिक्सटी सेवन रिटेड है आई पी सिक्सटी एट होता तो काफ़ी बेटर था बट आई पी सिक्सटी सेवन दिया गया है जो कि स्मॉल स्प्लेसेज स्वेट में बच जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बट हैवी रेनिंग में लेकर नहीं जा सकते आप हेल्थ स्वेट यहाँ पर हार्डवेयर एसपी टू द मोटर मिल जाएगा बट यहाँ पे एक्यूरेसी की बार बारे में हम ज़्यादा कह नहीं सकते क्योंकि बजट वॉचि में एक्यूरेसी नहीं मिलती आपको तो एक्यूरेसी यहाँ पर आपको डिसेंट है और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देख सकते हो uh, फायरबुल्ड चिप है बट ये कोई एंड्रॉइड वॉच नहीं है ये सिंपल टिपिकल ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है तीन सौ एम एच बैटरी कपैसिटी तो कि तीस दिन का स्टैंड बाय टाइम मिल जाता है और दो दिन का कॉलिंग पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपकी आराम से देर दिन चल जाएगी देर से दो दिन मूनलाइट मोवमेंट्स यहाँ पे उसी के साथ साथ यहाँ पे देखते हो प्रीमियमनेस तो यहाँ पे भर भर के है और हर एक शेड में आप देख सकते हो प्रीमियमनेस है एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो आर्ली मेजरमेंट है वॉइस असिस्टेंट देखने मिल जाता है फाइंड माई फोन का ऑप्शन है शेक टू टेक पिक्चर का कैमरा शटर बटन मिल जाता है और ड्रिंक वाटर रिमाइंडर भी है अलार्म रिमाइंडर भी है वेदर सिंक्रोनाइजेशन भी इसमें कर सकते हो जो चार कलर शेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं देख सकते हो ट्रांसफॉर्मिंग लुक्स विद एवरी फेस तो यहाँ पे जॉन साहब को वॉच फेस थी वो आप इसमें लगा पाओगे तो गैस ओवरऑल मेरे को ये डिसेंट सी वॉच लगी और यहाँ पे एम्बोले डिस्प्ले ऐड करेगी जो कि काफी अच्छा है इसी से पहले एवलांश वॉच आई थी फायरबोल्ट की जिसमें एमोले डिस्प्ले था इसमें एम्बोले डिस्प्ले दिया गया जो मेरे को काफी कमाल का लगा तो गैस यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो क्या रह सकता है देखो इसका प्राइस मेरे ख्याल से जा सकता है टू फोर डबल नाइन रुपीज तक के प्राइस बैकेट में अब देखते हैं कब तक आती है सेल पे अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा इस वॉच का तो स्टे ट्यून रहेगा एंड गैज एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको ये वॉच सिर्फ लास्ट टू तो मीडियम लिए ठीक है थिन लिस्ट वाले इस वॉच से दूर ही रहें तो गैज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैलैन को ऑल कर दो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में डल दैन बाय